देखो मुश्किल तो है इंडिया के लिए क्योंकि मुंबई के पिच में मैं रिकॉर्ड्स देख रहा था तो हाईएस्ट एवर चेज इन द फोर्थ दिनिंग थ्री ऑनलीके सिर्फ एक सौ तिरसठ रन यहां पर सफल चेज हुए है। और अगर एक रन यहां पर बेस्ट चेज का रिकॉर्ड है तो इसका मतलब भाई साहब पिच में तो बहुत पेच है पिच में बहुत पेच है आखिरी आप बैटिंग कर रहे होंगे और यहाँ पे दस पंद्रह रन अगर लग गए तो यानी कि एनीथिंग अबव वन फिफ्टी एंड अबव आपके लिए चैलेंजिंग टोटल तो है yes. आपके दो तीन विकेट अगर इधर उधर हो गए hmm. आप अगर थोड़ा बहुत यहाँ आप पर आपसे गोची हो गई hmm. तो फिर आपका रिजल्ट जो है फिर

उसको सील करके आज अपना नाम लिखवा सकते थे सुबह ही जब सुमन गिल और ऋषभ पंत खेल रहे थे आप एक पे पांच थे या चार थे चार थे और उसके बाद आप सारे के सारे ऑल आउट हो जाते हैं सिर्फ अट्ठाईस रन की लीड लेकर दो सौ तिरसठ रन बनाकर यार ये तो डिजास्टर है आप मैच जीत सकते थे आपने मैच छोड़ दिया वहां से तो मैच ओपन कर दिया आपने तो अब आप अब आप किसी भी तरफ ये मैच जा सकता है डेफिनेटली हम आगे हैं इस मैच में डेफिनेटली हमें जीत यहाँ पे दिखाई दे रही है लेकिन मुझे लग रहा है कि सस्पेंस जो है थ्रिलर जो है अभी इस पिक्चर में अभी काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी हैं अभी